Well, hello there to everyone. My name is Nitoj Nathan and welcome to my channel Accelerams Just Box, जहाँ पे हम कुछ खास डब्बे अनबॉक्स करते हैं. Well, आज मैं आपसे एक माउस के बारे में बात करने वाला हूँ जो कि मैंने भी एकदम रिसेंटली ही परचेज किया. अगर मैं इस माउस के पूरे नेम की बात करूँ तो इस माउस का पूरा नेम है Logitech G604. इसको यूज़ करते हुए समझ लीजिए अब मेरे को ऑलमोस्ट 25 डेज हो चुके हैं, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा मेरे इसके साथ एक्सपीरियंस रहा है. और साथ ही साथ अगर मैं इस माउस की पूरी बात करूँ तो ये एक G5 ऑटो के बाद में आने वाला माउस है एंड ये डेफिनेटली एक लेटेस्ट वर्जन का इनका माउस सबसे लेटेस्ट चल रहा है. एंड इसकी जो सबसे ज़्यादा स्पेशल स्पेसिफिकेशन है वो है इसका 1 ms का रिस्पॉन्स टाइम वायरलेस होने के बावजूद भी, जो कि आपको मिल जाता है इसके USB रिसीवर मोड पे. एंड इसमें आपको ब्लूटूथ भी देखने को मिल जाता है जिसकी वजह से इसको अपने टैबलेट, आईपैड या किसी भी स्मार्ट डिवाइस में कनेक्ट कर सकते हैं ब्लूटूथ के जरिए. तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा स्पेशल चीज़ को देखने को मिल जाती है इस माउस के बारे में. इस माउस की अगर मैं DPI की बात करूँ तो इसमें आपको मिल जाता है मैक्सिमम टू मैक्सिमम 25,600 तक की DPI का सपोर्ट, कि बहुत ही ज्यादा हमको बड़ी बात देखने को मिल जाती है. हालांकि 25,600 की DPI आपको तभी कम आएगी अगर आपकी डिस्प्ले बहुत ही ज्यादा ह्यूज हो या फिर आप बहुत ही सारा मल्टीपल 6-7 डिस्प्ले के साथ यूज कर रहे हो. अगर आप डुअल डिस्प्ले यूज करते हो तो आपको कभी 1500 से ऊपर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. और मैं भी गेमिंग के वक्त इसको मैक्स टू मैक्स 1000 DPI तक लेके आता हूँ. मिनिमम टू मिनिमम मैं कभी कभी 300 पे भी खेलता हूँ. इस माउस की और बहुत सारी स्पेसिफिकेशन मैं आपको आगे बताता हूँ, फिलहाल हम इसको अनबॉक्स करते हैं. तो चलिए शुरू करते हैं. इसमें आपको 15 प्रोग्रामेबल बटन्स देखने को मिल जाते हैं जो कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट देखने को मिल जाती है. जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको DPI इंक्रीज एंड DPI डिक्रीज करने का बटन देखने को मिल जाता है. इसकी लेफ्ट क्लिक, इसकी राइट क्लिक एंड ये दोनों ही कस्टमाइजेबल है. इसको आप किसी और बटन से भी स्विच कर सकते हैं जो कि डेफिनेटली कोई करेगा नहीं, बट आपके पास ये ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल दिख जाता है. यहाँ पे आपको स्क्रॉल व्हील में टिल्ट कंट्रोल्स भी देखने को मिल जाता है बिल्कुल G5 O2 की ही तरह. इसमें आपको बेसिकली लेफ्ट या राइट अगर टिल्ट करना तो आपको स्क्रॉल व्हील को बस लेफ्ट या राइट आपको टिल्ट करना पड़ेगा. तो आपको एक कुछ दो एक्स्ट्रा बटन देखने को मिल जाते हैं. तो यहाँ पे हमको मिल जाते हैं कुछ USB केबल्स. अगर मैं इस केबल की बात करूँ तो काफी ज्यादा लंबी केबल है. साथ ही हमको मिल जाती है ड्यूरासेल की बैटरी एंड कुछ ज्ञान की बातें पेपर वर्क्स. एंड इससे आप बेसिकली अपनी USB रिसीवर को थोड़ा एक्सटेंड कर सकते हैं. अगर आपका CPU नीचे या दूर रखा हो तो आप इस केबल को अपने CPU से ला के एक्सटेंड करके USB रिसीवर को अपने टेबल के एकदम सामने ला सकते हो, ताकि आपका माउस की जो रिसीविंग की कोई ज़्यादा दिक्कत इनके साथ ही जो कि डेफिनेटली नहीं आएगी, तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिल जाता है. इसकी जो रिस्पांस टाइम की बात करूँ तो मेरे को गेमिंग के वक्त इसका रिस्पांस टाइम में कोई भी वीकनेस देखने को बिल्कुल भी नहीं मिली है. इसका रिस्पांस टाइम हमको बिल्कुल एक्जैक्ट 1 ms का देखने को मिल जाता है जो कि G502 का भी है. हालांकि G502 केबल वाला माउस है, उसमें वो वायर्ड माउस है, तो इसलिए डेफिनेटली उसका रिस्पांस टाइम इसके बराबर होना काफ़ी ज़्यादा बड़ी बात हमको यहाँ पे देखने को मिल जाती है. अगर मैं DPI प्रोफाइल्स की बात करूँ तो यहाँ पे आपको मिल जाती है 100 से लेकर 25,600 तक की DPIs. तो आप इन सब के बीच अपने DPIs को स्विच कर सकते हैं. फिनिश भी बहुत ही ज़्यादा हमको यहाँ पे प्रीमियम देखने को मिल जाती है. ऊपर आपको रबराइज्ड फिनिश देखने को मिल रही है एंड बॉटम साइड में आपको यहाँ पे प्लास्टिक फिनिश देखने को मिल जाती है. काफ़ी ज़्यादा अच्छे से आपके माउस पैड पे स्मूथली एकदम ग्लाइड भी करता है. काफ़ी ज़्यादा हमें कुछ की जो फंक्शंस हैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड कूल लगे हैं. इसकी जो सबसे स्पेशल चीज़ यहाँ पर देखने को मिल जाती है वो इसके लेफ्ट 6 buttons. ये 6 के 6 buttons कम्प्लीटली आपकी तरफ से प्रोग्रामेबल. आप इन 6 buttons को कोई भी कमांड दे सकते हैं, चाहे वो कीबोर्ड शॉर्टकट हो, चाहे वो कोई गेम का कंट्रोल हो, आप जो चाहे उसमें आप इसको स्विच कर सकते हैं. तो आपको गेमिंग के वक्त बेसिकली बहुत ज़्यादा एक इंटरेस्टिंग अप्रोच मिल जाती है कुछ स्पेशल मूवमेंट्स के लिए. बहुत ज़्यादा क्विक मूवमेंट्स आप इसके थ्रू कर सकते हैं. तो यहाँ पे ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात हमको देखने को मिल जाती है. अगर मैं इसके बैटरी लाइफ की बात करूँ तो इसमें आपको मिल जाती है 240 आवर्स की बैटरी लाइफ ऑन दी बैटरी अगर आप इसको USB रिसीवर मोड पे यूज़ करते हैं. मैं आपको रेकमेंड करूँगा आप इसमें हर हाल में ड्यूरासेल ही डालें. अगर आप इसको ब्लूटूथ पे यूज़ करते हैं तो आपको मिल जाता है यही बैटरी लाइफ अप टू 5.5 months की. तो ये बहुत ही ज़्यादा आपको इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे देखने को मिल जाती है. उसका वेट 135 grams का यहाँ पे हमको देखने को मिल जाता है जो कि बहुत ही अच्छी यहाँ पे वेट है. बहुत ही ज़्यादा हैवी नहीं आपको यहाँ पे देखने को मिलता है. अब ऑब्वियसली अगर आप इसके ऊपर इसके अंदर अपनी एक 1.5 ml की बैटरी डालेंगे तो उसका वजन थोड़ा सा बढ़ जाता है जो कि ऑलमोस्ट 180 grams के अराउंड हो जाता है. यहाँ पे आपको थोड़ा हैवी देखने को मिल जाता है, बट डेफिनेटली साथ ही स्क्रॉल व्हील अप डाउन और इसमें आपको फ्री स्टाइल स्क्रॉल व्हील भी देखने को मिल जाती है. यानी कि टैक्टाइल रहेगा. अगर आप इसको लॉक रखेंगे तो स्नैपी वे में चलेगा एंड अगर आप इसके स्क्रॉल व्हील को अनलॉक करते तो आप बिल्कुल फ्रीली इसको यूज़ कर पाएंगे. एकदम अनलिमिटेड स्क्रॉलिंग आपकी इसके अनलॉक हो जाती है बिल्कुल G5 O2 की ही तरह.
इसका जो बैक कवर है, एज यू कैन सी यहाँ पे मैग्नेट मैग्नेट्स अटैच्ड है, तो बेसिकली आप जब भी इसको क्लोज करते हो तो इसका जो बैक कवर है वो मैग्नेटिकली अटैच हो जाता है, चिपक जाता है आपके माउस से। तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ देखने को मिल जाती है, कोई भी आपको बहुत ज़्यादा हैवी लॉकिंग यहाँ पे देखने को नहीं मिलती, एकदम ईजिली आपका अटैच हो जाता है। एंड आप अपना USB रिसीवर इंसर्ट करें या फिर अपने बैटरी इनको इंसर्ट करें, एंड इसको ईजिली आप क्लोज भी कर सकते हैं। वेल, अगर मैं RGB सपोर्ट की बात करूँ तो इसमें आपको RGB सपोर्ट बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलता है। इसके ऊपर आपको सिर्फ एक इंडिकेटर देखने को मिल जाता है जो कि 7 डिफरेंट कलर्स में जल सकता है DPI के हिसाब से। जैसे आपकी DPI होगा वैसे आपका कलर ग्लो करेगा। एंड इसके अलावा इसमें RGB के नाम पे तो वैसे कुछ भी नहीं है, आपको G502 में RGB इंडिकेटर जो आपका लोगो है वो RGB में देखने को मिल जाता है, जो कि कम्प्लीटली कस्टमाइजेबल है, लेकिन इसमें आपको देखने को नहीं मिलता ऑब्वियसली बिकॉज एक वायरलेस माउस है और ये बैटरी पर ऑपरेट करता है। आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके इसकी ऑनबोर्ड मेमोरी में भी अपनी DPI अपनी प्रोफाइल सेव कर सकते हैं, कोई भी चाहे वो शॉर्टकट कीज़ हो या फिर आपके DPI हो, आप वो सब लॉजिटेक जी हब या फिर लॉजिटेक के गेमिंग सॉफ्टवेयर या फिर लॉजिटेक की ऑनबोर्ड मेमोरी नाम के सॉफ्टवेयर्स में, जिसमें सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप इसके थ्रू इस माउस में अपनी सारी प्रोफाइल सेव कर सकते हैं एकदम कम्प्लीटली। जब तो बेसिकली क्या होगा, आपके माउस के अंदर प्रोफाइल सारी सेव होंगी, तो जब भी आप इसको दोबारा किसी और PC में भी लेके आएंगे तो यही प्रोफाइल्स आपकी लोड हो जाएंगी तुरंत। तो वायरलेस होने की वजह से माउस बहुत ही ज़्यादा पोर्टेबल भी हो जाता है, जैसे कि आप देख ही सकते हैं। सो अब अगर मैं सबसे मेन बात की तरफ लेके जाऊँ, जो कि मैंने अपनी थंबनेल में डाल लिया था वैसे, तो इसकी प्राइस मैंने जब इसको परचेस किया तो मैंने इसको समझ लीजिए कुछ 5,990 रुपीज में परचेस किया है। एंड इस माउस के ऊपर अक्सर डिस्काउंट चलता रहता है, तो अभी रिसेंटली मैंने चेकआउट किया तो ये MD कंप्यूटर्स पे आपको 5,500 का मिल रहा था। अमेजोन पे इसकी प्राइस 6,700 से लेके 6,000 के बीच में अपनी चलती रहती है। सो ओवरऑल अगर मैं बोलूँ तो माउस बहुत ही ज्यादा हमको इंटरेस्टिंग देखने को मिल जाता है, इस माउस में आपको हर एक स्पेसिफिकेशन मिल जाती है जो कि माउस में होनी चाहिए। इसकी जो कर्सर एक्यूरेसी बहुत ही ज्यादा आपको प्रिसाइज देखने को मिल जाती है जब भी आप इसको रिसीवर मोड में यूज करते हैं, एंड इसको अगर आप ब्लूटूथ मोड यूज करते हैं तो थोड़ी सी वो एक्यूरेसी तो आप मिस करते हैं, साथ ही थोड़ा सा रिस्पॉन्स टाइम भी आपको थोड़ा सा लोअर हो जाता है। दैट्स वाई आपको ब्लूटूथ में बैटरी लाइफ ज्यादा मिलती है, तो अगर आप मूवी वूवी स्ट्रीम करते हैं, कुछ भी बेसिक सा काम करते हैं जिसमें आपको माउस की बहुत एक्यूरेसी की जरूरत नहीं है, तो उसमें मैं आपको रिकमेंड करूँगा इसको हर हाल में आप ब्लूटूथ पे ही यूज करें ताकि आपको बैटरी लाइफ जितनी ज्यादा हो सके उतनी ज्यादा मिल जाए। जब भी आप इसमें को गेमिंग करें आपको कुछ नहीं करना, बस आपको जो सेंटर वाला वाईफाई आइकन बनाया है इस बटन को आपको बस 2 सेकंड्स के लिए प्रेस करना है, तो आपको आपका ये तुरंत अपनी प्रोफाइल चेंज कर देगा एंड ये रिसीवर मोड में चलाएगा। एंड अगर आप इसको 2 सेकंड्स के लिए दोबारा प्रेस करेंगे तो वापस ब्लूटूथ मोड पे आ जाएगा। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई होप यू एंजॉयड इट। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा एंड शेयर करिएगा। वेल, इतना ही था आज की वीडियो के लिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे, पीस आउट, थैंक यू।